आपके सामने स्पॉटिंग एरर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ते हैं, देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट, मतलब इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता था। डिनाइंग द फैक्ट एक फ्रेज टाइप से है कि इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। दैट किंग लियर कन्फाइडेड टू हिज डॉटर कॉर्डिला। कन्फाइड, ध्यान से देखिए, सारी कहानी यहीं पर है। बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर कन्फाइड को मैंने जो है डिटेल में पढ़ा रखा है, वर्ड ऑफ द डे में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वर्ड ऑफ द डे में आपको कन्फाइड मिलेगा। कन्फाइड जो है कॉन्फिडेंस का ही शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा। मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है कि कन्फाइड के साथ टू लगता है और कन्फाइड के साथ प्रेपोजिशन इन लगता है। सर, कन्फाइड के साथ इन तब लगता है जब आप आगे फेथ की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, और टू लगता है जब आप कोई सीक्रेट शेयर करें, शेयर सम सीक्रेट, राइट? हाँ, कि आपको अगर किसी पे भरोसा है तो जैसे फेथ इन होता है, बिलीव इन होता है, रिपोज इन होता है, वैसे आप कन्फाइड इन लगाते हैं। यस, आई कन्फाइड इन माई स्टूडेंट्स, या आई कन्फाइड इन यू, आई विल नॉट कन्फाइड इन Anyone. तो इन लगाते हैं जब फेथ की बात आती है, और टू कब लगाते हैं? ओके, आई एम कन्फाइडिंग सम सीक्रेट्स टू यू, आई शैल नॉट कन्फाइड दीज डिटेल्स टू एनीवन, मतलब जब आप कह रहे हैं कि मैं इन डिटेल्स को किसी को नहीं बताऊंगा, तो आई शैल नॉट कन्फाइड दीज डिटेल्स टू एनीवन। ओके, आई एम रेडी टू कन्फाइड माई सीक्रेट टू यू। तो जब आप कोई बात किसी को बता रहे हो तो टू लगा के उस व्यक्ति को जोड़ें, लेकिन अगर आप सिंपली किसी व्यक्ति में भरोसा रख रहे हैं तो इन लगाएं। यहां पर सिंपली भरोसा करने की बात है, बात तो कुछ बताई नहीं गई। ये कहां लिखा? दैट किंग लियर कन्फाइडेड ऑल हिज सीक्रेट्स टू हिज डॉटर, ऐसे नहीं लिखा ना, सिर्फ इतना लिखा है कि वो अपनी बेटी पे भरोसा करता था। तो सिर्फ भरोसा करने के लिए कन्फाइड के साथ टू नहीं लगता, क्या लगता है सर? इन लगता है। ये है मजा जब आप चीजों को ढंग से पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ वर्ड का मीनिंग जानेंगे तो ये खास बात नहीं पता चलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप वर्ड का यूज भी जानेंगे, कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता है ये, तब कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको कंप्लीट नॉलेज में इंपार्ट करूं दूं।